हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दो प्राइमर के बीच में कंपैरिजन वीडियो। ये दोनों ही प्राइमर अंडर 300 रुपीज में आपको इजीली मिल जाएंगे क्योंकि इनका एग्जैक्ट प्राइस ही इतना है, बट अगर आप इन्हें ऑनलाइन बाय करते हैं तो इससे कम प्राइस में आपको ये इजीली मिल जाएंगे। ये दोनों ही प्राइमर जो हैं वो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर हैं, जिसमें पहला प्राइमर है मार्स ब्रांड से, ये है इनका पोर क्योर प्राइमर, और दूसरा है इनसाइड का लॉन्ग लास्टिंग प्राइमर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों प्राइमर में से बेस्ट कौन सा है, मुझे कौन सा प्राइमर पसंद है, या आपको कौन सा प्राइमर बाय करना चाहिए अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी या हमेशा की तरह डिस्क्लेमर देना चाहूंगी। पॉइंट नंबर वन, आज के वीडियो में मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो प्लीज इस पॉइंट को माइंड में जरूर रखिएगा। हो सकता है जो आपको पसंद हो वो मुझे ना पसंद हो, या जो मुझे पसंद है वो आपको ना पसंद हो, क्योंकि चाहे मेकअप हो, स्किन केयर हो या हेयर केयर हो, ये काफ़ी सब्जेक्टिव होते हैं। हर किसी की पसंद या एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं। पॉइंट नंबर टू, अगर आप इन्हें बाय करना चाहते हैं तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल हैं। जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उस तरीके से शॉपिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे इनके प्रोडक्ट के प्राइस और इनकी पैकेजिंग की। तो ये दोनों ही प्राइमर जो हैं वो आउटर पैकेजिंग के साथ आते हैं और इनकी जो 99% डिटेल्स है वो आउटर पैकेजिंग पे ही मेंशन की गई है। अगर मैं इनर पैकेजिंग की बात करूँ तो इनमें बहुत कॉमन सी जो डिटेल्स हैं सिर्फ उतनी ही मेंशन की गई है। तो अगर आपको इनकी फुल डिटेल्स चाहिए तो आपको इनकी पैकेजिंग को थ्रो नहीं करना है। अब बात करते हैं कि मेन पैकेजिंग की। तो इनकी जो मेन पैकेजिंग है वो कुछ ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ही ट्यूब पैक में आते हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छे हैं और यूज़ करने के लिए भी काफ़ी कन्वीनियंट एंड हाइजीनिक है। एक एक करके मैं इनकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसका प्राइस है 240 रुपीज़, जिसमें आपको 30 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ 36 मंथ है। ये प्राइमर ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है सेकेंड प्राइमर की। तो सेकेंड प्राइमर है मार्स से और ये है इनका स्मूदनिंग एंड पोर फिलिंग प्राइमर, और इसका जो प्राइस है वो है 299 रुपीज़, जिसमें आपको 30 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ 4 ईयर्स है। ये प्राइमर भी ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इन्हें ईजिली यूज कर सकते हैं। तो ये तो रही इन प्राइमर की डिटेल्स। अगर मैं इनके वियर टेस्ट की बात करूं, जहां तक रही बात इनसाइड प्राइमर की, तो मैंने इसका वियर टेस्ट किया है शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो मुझे पता है कि हाँ ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, बट डिपेंड करता है आपकी स्किन पे, वेदर पे, और आपने जो मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उन पे भी। जैसे मैंने मेकअप प्रोडक्ट अच्छे यूज़ किए थे, मेरी स्किन भी विंटर में काफ़ी नॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा मुझे स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, और विंटर टाइम था तो इसलिए मेरा मेकअप जो था वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग था, मतलब कि ऑन पॉइंट मेकअप जो था वो टिका था। वहीं पे अगर मैं बात करूँ मार्स की, तो मैंने इसे बहुत लॉन्ग टाइम के लिए तो नहीं टेस्ट किया है कि अगर मैं 10 घंटे से ज़्यादा या 8 घंटे से ज़्यादा मेकअप रखूँ तो कितना। जो मैंने टेस्ट किया है वो था 4 से 5 घंटे का, और मेकअप प्रोडक्ट मैंने सेम यूज़ किए थे, वेदर भी सेम है, मेरी स्किन भी सेम है। तो अगर मैं उस टाइम पीरियड की बात करूँ तो उसमें इस प्राइमर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों ही प्राइमर जो हैं वो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं और आपका जो मेकअप होता है वो काफ़ी अच्छे से ऑन पॉइंट रहता है। लेकिन अगर जब दोनों प्राइमर एक ही जैसे हैं तो हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि हमें कौन सा प्राइमर बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी स्किन काम आती है। जैसे कि आपकी स्किन जिस टाइप की हो, जिस स्किन कैटेगरी में आती हो, या आपकी स्किन पे जो स्किन कंसर्न हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना प्राइमर सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है
और अपनी स्किन को हल्का सा ब्लर आउट करना है तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं इनसाइड का प्राइमर, क्योंकि ये ऑयल फ्री है, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए ये ऑयल फ्री है, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और आपकी स्किन को एक स्मूथ सरफेस में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि आपका जो मेकअप एप्लीकेशन होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है और मेकअप भी देखने में काफ़ी इवन लगता है। वहीं पे अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको ट्राई करना चाहिए मार्स का प्राइमर। ये स्पेशली उस स्किन टाइप के लिए है जिन पे पोर्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। स्पेशली अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्सट्रीमली ऑयली है, तो आपको पता ही होगा कि पोर्स की जो प्रॉब्लम है वो हमें कितनी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, स्पेशली टी जोन सेक्शन में। और यहाँ पे स्किन में जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्सचर भी होता है, तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा पोर्स हैं आपकी स्किन पे और आप उन्हें ब्लर आउट करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पे स्मूदनिंग इफेक्ट आए, तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप मार्स का प्राइमर ट्राई करें। अगर आप इन दोनों ही प्राइमर का जो टेक्सचर है या जो इनर प्रोडक्ट है उसे साइड बाय साइड देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा प्राइमर इनसाइड है और कौन सा मार्स है, लेकिन दोनों के टेक्सचर में थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब दोनों का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि इनसाइड प्राइमर जो है ये काफ़ी थिक है, मतलब नॉर्मली मैंने इतना थिक प्राइमर कोई सा भी नहीं देखा है, ये बहुत ही ज़्यादा थिक है। वहीं पे मार्स का जो प्राइमर है वो जेल की तरह है, रनी नहीं है बट इतना ज़्यादा थिक भी नहीं है जितना कि इनसाइड। फिलहाल मैंने दोनों ही प्राइमर के जो क्वालिटीज़ हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, तो फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए कि आपको कौन सा प्राइमर बाय करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस पूछते हैं या मेरा पर्सनल व्यू पूछते हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि मुझे मार्स का प्राइमर ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के साथ साथ आपके पोर्स को फिल करता है, आपके जो स्किन पे टेक्सचर होता है उसे स्मूद आउट करता है, साथ ही साथ आपके अगर फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है तो उसे भी ये कंट्रोल करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनसाइड का प्राइमर बेकार है या ये उतना अच्छा काम नहीं करता है, दोनों ही प्राइमर अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए, ऑयल फ्री लुक के लिए ये प्राइमर बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपको पोर्स की प्रॉब्लम है तो आपको मार्स प्राइमर ट्राई करना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए दो फेस प्राइमर के बीच में कंपैरिजन वीडियो। दोनों ही फेस प्राइमर सिलिकॉन बेस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिलिकॉन बेस प्राइमर यूज़ करना काफ़ी पसंद होता है, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ब्लर आउट कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं, जिससे कि आपका मेकअप जो है वो इवन भी होता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। इन दोनों में से आपका पर्सनल फेवरेट प्राइमर कौन सा है या आपको अदर किसी ब्रांड का प्राइमर पसंद है तो वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। Bye.